का 1 तारीख से भारत सरकार जो है स्वच्छता पर एक व्यापक अभियान चला करके पूरे भारत में शहरों की सफाई के मामले में क्या स्थिति है इस पे एक सर्वे करेगी। उस सर्वे में भी हमको आपका सहयोग चाहिए। उस सर्वे में किस तरीके से आप सहयोग करेंगे? नंबर 1, अपने मोहल्ले को साफ रख के। नंबर 2, जो कूड़ा है उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंक करके। नंबर 3, जो कूड़ा है उसको कूड़े गाड़ी में ही डाल करके। नंबर 4, उस कूड़े को अलग अलग करके, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। नंबर 5, खुले में शौच में नहीं जा करके, खुले में कहीं भी जो है यूरिनल आप त्याग कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, उसको भी नहीं करना है, खुले में कहीं शौच नहीं जाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक, ये बहुत खतरनाक चीज है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, मोहल्ले के लिए बहुत खराब चीज है। आप ये देखिए कि जो यह कूड़ा हम उठा रहे हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा कूड़ा क्या दिख रहा है, वो प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें आप सब्जी ले आ रहे हैं, जिसमें आप दूध ले आ रहे हैं, जिसमें आप तेल ले आ रहे हैं घर के लिए, जिसमें आप चाय मंगाते हैं अपनी दुकानों में, दुकान से अपने घरों में या दुकानों में, ये सब जो है जहर है। सारी पन्नियां नहीं यूज करनी है, इसकी जगह पे क्या यूज करना है, घर से निकलिए, जेब में एक पतला थैला रख लीजिए, थैले में ले आइए। दुकानों में भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो कागज़ की थैलियाँ बनाएं। बहुत सारे हमारे एनजीओ हैं जो कि कागज़ की थैलियाँ बना रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। और ये इस तरीके से कागज़ तो अगर आप फेंक दीजिए 2-3 महीने 4 महीने बाद वो कागज़ आपको मिट्टी में मिला हुआ मिलेगा, फिर मशीन बेच दिए तो मिट्टी में मिल गया, वो हमारे लिए कोई समस्या नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान का कारण नहीं बना। लेकिन पॉलीथीन कई सालों तक जो है वो आपकी ख़त्म नहीं होती है, और ख़त्म होने की बजाय उसको जब हम देते हैं फैक्ट्री में वापस रिसाइकिल होकर के फिर हमारे घर में पहुंचते हैं। इसके अंदर का जो केमिकल है जो आपकी खाद्य सामग्री में उसमें मिल गया, उसके बाद जब आपके जब शरीर में पहुंचता है तो आपको किडनी को प्रभावित करता है, आपके लीवर को प्रभावित करता है, कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, तो इससे बचिए, बिल्कुल प्रयोग मत करिए।